बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद के कई लेसन आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यहीं से पहली पहली ही हेडिंग से कम 3-4 लेसन 5 लेसन जुड़े हुए हैं आपस में। बहुत ध्यान से समझना, सिंपल है बिल्कुल। इसका नाम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नाम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल लेसन है बिल्कुल। बस समझते हुए चलना सारी चीज। सिंपल हार्मोनिक मोशन लेसन का नाम है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले कुछ टर्म्स हमें और समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले टर्म हमें समझनी पड़ेगी क्या, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे मोशन हमारी लाइफ में ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसे मोशन का जो बार बार रिपीट होता हो लाइफ में? कोई ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट होता हो? सही कह रहे हैं आप, ये पीरियडिक मोशन है आपके। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन पीरियडिक मोशन है। पीरियडिक का क्या मतलब है? सिर्फ रिपीट होने वाली बात नहीं पीरियडिक का मतलब। पीरियडिक का मीनिंग है रिपीट होना आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। जैसा आज है ऐसा ही ठीक 365 डेज बाद होगा अगले साल। ठंड थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, लेकिन जो अर्थ की पोजीशन है सन के रेस्पेक्ट में, जो पोजीशन आज है वही होगी आज से 365 दिन के बाद में, वही थी अब से एग्जैक्ट 365 डेज पहले। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ बार बार रिपीट होता है आफ्टर ए सर्टेन स्पेसिफिक टाइम। या आपके वॉच है, क्लॉक है, उसके हैंड्स, मिनट हैंड और सेकंड हैंड और आवर्स हैंड, ये बार बार रिपीट करते हैं अपने मोशन को आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। मिनट सॉरी सेकंड हैंड कितनी देर में अपना अपना मोशन रिपीट कर लेता, मिनट हैंड सॉरी सेकंड हैंड 60 सेकंड के बाद, आफ्टर 60 सेकंड। आपकी घड़ी, कोई भी घड़ी सामने रखिए, अभी जो पोजीशन है सेकंड हैंड की, सेकंड वाली सुई की, एग्जैक्ट 60 सेकंड के बाद फिर उसी पोजीशन पर आ जानी है। इस तरह के मोशन कहलाते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब एग्जैक्टली सेम मोशन रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। सेम मोशन होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, और उसके रिपीटेशन का टाइम भी बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम। हेडिंग डालते हैं पहले पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन तो क्या है? पीरियोडिक मोशन लिखते हैं द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट इट्सेल्फ, मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट इट्सेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। पीरियडिक मोशन के बाद में हम समझ लेते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये पीरियडिक मोशन ही है, पीरियडिक मोशन ही है, लेकिन कैसा मोशन है? इट इज ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसी एक पॉइंट के अबाउट कोई मोशन हो रहा है किसी बॉडी का, तब हम इस मोशन को बोलेंगे क्या, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि इस टाइम पेन की जो निब है, ये पेन की निब एक लाइन पर चल रही है, किसके अलोंग चल रही है, किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, तो इसे हम बोलेंगे क्या, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, करेक्ट। इसमें ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां तक ये स्लो जाए, तेजी से लौट कर आए, फिर स्लो जाए, तेजी से लौट कर आए, या यहां जा रही है स्लो, यहां चल रही है स्लो, यहां तेजी से चल जाए,
समझ रहे हो बात को? पीरियडिक मोशन मतलब वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए मोशन, और रिपीट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, बार बार रिपीट होना चाहिए, एक एग्जैक्टली सेम रिपीट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, देखा, एक साइड तो मैं स्लो चला रहा हूं इसको, दूसरी साइड तेज चला रहा हूं, तो बस हर बार ऐसा ही हो, हर बार सेम मोशन रिपीट हो, सेम टाइप ऑफ मोशन हो, टाइम भी इसका सेम रहे, तब हम इसे कहेंगे वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। करेक्ट, लिखते हैं पीरियडिक मोशन ऑफ ए बॉडी, हेडिंग है इसकी वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियडिक मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। जो मोशन वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है वो अपने आप में पीरियडिक मोशन जरूर है। पीरियडिक मोशन तो कहीं भी हो सकता है, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, ये आपका सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो मोशन ऑफ अर्थ इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पर नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है, बार बार सेम टाइम में रिपीट हो रहा है, तो ये मोशन कैसा है? पीरियोडिक है, बट इट इज नॉट वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, पीरियोडिक जरूर है। और पीरियोडिक में क्या हुआ, पीरियोडिक में भी अगर मोशन आपका हो जाए स्ट्रेट लाइन पर, तब हम इसे कहेंगे वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और जोड़ देते हैं, एक नया मोशन आ जाता है हमारा, हार्मोनिक मोशन। अब ये हार्मोनिक मोशन क्या है? एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन कौन मुझे बता सकता है क्या है ये इक्वेशन? s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेज योर हैंड्स, कौन बता पाएगा कि ये इक्वेशन एक्चुअली है क्या? ये इक्वेशन है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टाइम टी। ठीक है, एक्चुअल में ये किसकी इक्वेशन है? ये बॉडी के एक मोशन की इक्वेशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, जिसमें एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है, ए नहीं बदल रहा इसके अंदर, ए कांस्टेंट बना रहता है, याद कीजिए इंटीग्रेशन में ए हमने बाहर निकाला था, कांस्टेंट है ये, तो इट इज ए इक्वेशन फॉर मोशन इन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विद मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी का कैसा भी मोशन क्यों ना हो, जैसे ये हमारा अर्थ का मोशन है, इस अर्थ के इस मोशन को भी हम एक सर्टेन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ लिया इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, सर्किल की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, हर मोशन को हम एक किसी ना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो हार्मोनिक मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन है, और वाइब्रेटरी मोशन कैसा मोशन है? पीरियडिक मोशन है, एक ऐसा मोशन जो वाइब्रेटरी भी है पीरियडिक भी है, और जिस मोशन की इक्वेशन को, जिसकी पोजीशन, जिस मोशन में, जिस मोशन को एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी की पोजीशन हम रिप्रेजेंट करें किसमें, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म्स में जिसे हम ला सकें, जिस मोशन को, जिस बॉडी के जिस मोशन को हम साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें, वो मोशन होगा हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक है तो वो वाइब्रेटरी भी जरूर है, वाइब्रेटरी है तो वो पीरियडिक भी जरूर है। ऐसा पीरियडिक वाइब्रेटरी मोशन, पीरियडिक एंड वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी जिस मोशन को एग्जीक्यूट करती हुई बॉडी के लिए उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकें साइन और कॉस की टर्म्स में, साइन या कॉस की टर्म्स में, तब हम इस मोशन को बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहां तो देखो इस स्ट्रेट लाइन मोशन में साइन भी नहीं आ रहा, कॉस भी नहीं आ रहा, टैन भी नहीं आ रहा, लेकिन बाय द वे अगर यहां कहीं किसी वजह से साइन आ जाए, कॉस आ जाए, तो यही इक्वेशन बन जाएगी, हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन जाएगी।
ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम हार्मोनिक मोशन। द वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, करेक्ट। अब इस हार्मोनिक मोशन में एक कंडीशन और जोड़ देते हैं तो यह बन जाएगा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कंडीशन है, यहां देखिए ध्यान से, एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू नहीं बदल रही। लेकिन हमारी जो ये हार्मोनिक मोशन है इसमें अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू बदलने लगे और ऐसे बदलने लगे क्या कि किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू, एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कहां से डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम यहां नहीं बनेंगे ओरिजिन तो नहीं बोलेंगे यहां, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी आपकी मोशन में आ रही है इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या है इसका मतलब, समझिए इसे, ये आपकी मीन पोजीशन है, जिस टाइम अपनी मीन पोजीशन पर है बॉडी उस टाइम उसमें एक्सीलरेशन जीरो हो जाए। जब ये बॉडी मीन पोजीशन से यहां पहुंची थोड़े डिस्टेंस पर, इसमें एक्सीलरेशन आ जाए, जब और ज्यादा डिस्टेंस पर पहुंचे तो एक्सीलरेशन और ज्यादा हो जाए, जब यहां पहुंचे तो एक्सीलरेशन और ज्यादा हो जाए, ठीक है। जितना दूर जाए मीन पोजीशन से ए की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाए, साथ में कुछ और भी हो, साथ में एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, किसकी डायरेक्शन, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन इस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कहां है, मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ है डायरेक्शन, हालांकि बढ़ता जा रहा है एक्सीलरेशन लेकिन फिर भी उसकी डायरेक्शन कहां है, मीन पोजीशन की तरफ। जब बॉडी इधर चली जाए तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन फिर बदल के मीन पोजीशन की तरफ हो जाए, बॉडी चाहे कहीं भी हो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही होनी चाहिए और एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। बिल्कुल मीन पोजीशन पर है तो एक्सीलरेशन जीरो, मीन पोजीशन से जितने ज्यादा दूर जाए उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन बढ़ता चला जाए, लेकिन इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, है बॉडी तो जा रही है इधर को और एक्सीलरेशन लग रहा है इधर को, बात नहीं ये तो कोई बात नहीं, अभी एक बात सुनो, ये मीन पोजीशन, अभी बॉडी तो जा रही है इस तरफ, ये तो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, और हम कह रहे हैं क्या कि जी इसका एक्सेलरेशन कहाँ होना चाहिए, एक्सेलरेशन यहाँ होना चाहिए, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, हो सकता है भला कभी ऐसा, भाई चलेगी क्यों उधर जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्या हो सकता है कभी ऐसा, हो सकता है बताओ, हो सकता है, बस बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, अपना वो मैथमेटिक्स की इक्वेशन भी इक्वेशन है, उन्हें निकाल लो याद कर लो और एग्जाम में उतार आओ, ऐसा हो ना हो हमें क्या मतलब, मार्क्स मिल जाने चाहिए बस, बढ़िया मार्क्स मिल जाने चाहिए। तो मोशन के अपोजिट कभी एक्सेलरेशन हो सकता है क्या, मोशन के अपोजिट, अच्छा कौन कौन इस पर डिसएग्री है, कौन कहता है नहीं मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगा भाई, फिर मोशन ही क्यों होगा, अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है, एक्सेलरेशन कहां होता है, फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स, अगर फोर्स उल्टी लग रही है किसी बॉडी पे तो वो चलेगी क्यों सामने को, कौन बता, कौन इस पर एग्री है, कौन इस पर एग्री है, अच्छा इस बात पर कौन एग्री है कि हमें पता तो नहीं मगर फिजिक्स में तो कुछ भी हो जा, फिजिक्स वाले तो कुछ भी कर ले, अरे फिजिक्स में मत पूछो, फिजिक्स में तो कुछ भी हो जा, फिजिक्स में तो जो सोच नहीं सकते वो भी हो जा, जो सपने में भी नहीं आ सकता वो भी हो जा, जो गूगल भी नहीं बता सकता वो भी हो जा फिजिक्स में तो, अच्छा सबके सब एग्री है लगभग इस बात पर,
ये किससे भी ज्यादा खतरनाक है, सपने से भी ज्यादा खतरनाक है, तो सपने भी बर्बाद कर देवे, फिजिक्स तो ऐसी चीज है। मोशन का होना डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं है, फोर्स पर डिपेंड नहीं है। सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका, मैं किसे फेंकूं ऊपर, ये इसे आपने ऊपर फेंका, जब ये मोशन है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मोशन है इसका, जब ये ऊपर जा रहा है तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। तो अब मोशन डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ ये बात जरूर है कि जब मोशन के अगेंस्ट है एक्सेलरेशन तो इसका इसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी, एक्चुअल में रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, रोकने के लिए काम करेगा। और जब ये नीचे चल रहा है, जब ये ऊपर से नीचे गिरने लगा, तो अब मोशन के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये इसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। समझे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मोशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, एक्सेलरेशन कहां है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी चल रही है आगे, बॉडी ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड चल रही है एग्जैक्टली, ना ये हॉरिजॉन्टल चल रही है, ये तो अलग ही डायरेक्शन है, दो दो मोशन के इन्फ्लुएंस में है इस टाइम। तो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो, यह बात जरूर है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स का ही तो असर है एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा कहां रहना है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहना है एक्सेलरेशन को, भले ही इस बॉडी का मोशन वर्टिकली अपवर्ड है या वर्टिकली डाउनवर्ड है या हॉरिजॉन्टल एरोप्लेन की तरह, कोई मतलब नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, मोशन चाहे किसी भी डायरेक्शन में होता रहे। क्लियर हो रही बात? तो ऐसा ऐसा हार्मोनिक मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, जितना ज्यादा दूर जा रहा उतना उतना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अब तक हमने जो भी मोशन पढ़े थे उन सभी मोशन में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहा करता था, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बदलती थी। जैसे ये वर्टिकली डाउनवर्ड फ्री फॉल है, ये वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा। एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़कर 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई, कितना इंक्रीज हुआ, 9. अगले एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, जीरो से 9.8 प्लस 9.8 और एक, फिर अगले सेकंड में फिर इतनी बढ़ जाएगी। ये जो स्पीड बढ़ने का रेट है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट बना हुआ है। लेकिन अब यहां जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, यहां एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, तो वेलोसिटी तो बदले ही बदलेगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहा है तब भी वेलोसिटी बदल जाती है, और जब एक्सेलरेशन ही बदल रहा है तो अब तो करेला और नीम चढ़ा, और भी ज्यादा कड़वा होने वाला है। अब तक तो मोशन में सारे में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कर लेते थे, अब एक्सेलरेशन को बाहर नहीं ले सकते, अब ये एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, तो थोड़ा सा और ज्यादा कड़वा होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा घूंट घूंट पीने के लिए तैयार रहो। एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजिशन की तरफ है, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जितना डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन, जितना दूर जा रहा है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, लेकिन है कहां, मीन पोजिशन की तरफ। तब हम इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेडिंग डालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। द हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉडी सच दैट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन।